दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। और टॉपर्स इंटरव्यू के राघव जी के एपिसोड में ये दूसरा वीडियो है, पार्ट टू और अंतिम वीडियो है, जिसमें मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो राघव जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका और आपके पूरे अनअकैडमी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, आपको इतना समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए और इतना इंटेलेक्चुअलिटी के साथ। आप अपने आप में, मैंने कल के एपिसोड में भी गौर किया कि बहुत बड़ी बात आप बहुत सहज तरीके से कह देते हैं। तो अभी क्या है कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि आप अपने आप को कितना सहज रख सके, कितना नॉर्मल रख सके। होता है क्या कि जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाती है, लोग एकदम अपने आप को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं, हम तो ये हो गए। उसमें अपने आप को सहज रखना बहुत जरूरी है और ये लाइफ को भी इजी बनाती है। तो राघव जी, अगर आपको याद हो, और दोस्तों आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपको भी अगर याद हो, तो कल हमने बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे कल के एपिसोड को छोड़ा था। और वो क्वेश्चन ये था, हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे कि जब बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है और क्वेश्चन नहीं बनता है, तो राघव जी ने बोला कि उसको स्किप करके हम आगे जा सकते थे। लेकिन होता क्या है कि आप 5-7 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपसे नहीं बना तो फिर बड़े चैलेंजेज आ जाते हैं। वो चैलेंजेस क्या होता है कि अब क्वेश्चन तो नहीं बना, उसके बाद इतना ज्यादा प्रेशर आ गया, इतना ज्यादा दिमाग पे टेंशन आ गया, हाथ पांव कांपने लगे कि अब आपको लग रहा है कि अब आपसे नहीं हो रहा है। मतलब देयर इज समथिंग कि अब वो आपके लेवल का है नहीं। उसके बाद आपको 10-20-50 क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन भी आप जानते हुए भी नहीं बना पाते हैं। तो राघव जी, इस समय पे मतलब कैसे क्या सोचना चाहिए, या आप क्या सोचते हैं? हमारा सर सोच ये है कि सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, उसके बाद आप अचानक देखें कि भाई हमसे क्वेश्चन बनने वाला है नहीं अभी, मतलब या उतना जल्दी में नहीं, इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, तो आप हमारा सिद्धांत यह है कि उसको आप स्किप करो, छोड़कर आगे वाला क्वेश्चन देखो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको वही प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देने, वहां पे टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, साथ में टाइम भी देखना है, भाई टाइम भी निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन को छोड़िए और आगे देखिए, जितना आपसे नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़कर आगे बनाइए। अगर इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा जोड़ देंगे, तो आगे वाला क्वेश्चन भी हमारा फंस जाएगा, वो भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर एग्जाम हॉल में बैठते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, नहीं बन रहा है, तो उसको स्किप कीजिए, बाद में उसको देखिएगा अगर टाइम बचता है तो। क्योंकि अगर इस पे ज्यादा जोड़ देंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन भी प्रॉब्लम होगा, जिससे पूरा मेरा पेपर आपका चला जाएगा, पेपर चला पूरा जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा, और माइंडली टेंशन हो जाएगा आपको माइंडली। इसलिए तो किसी टाइम भी क्वेश्चन मैनेजमेंट पे, कीजिए। किसी भी क्वेश्चन पे कितना समय देना चाहिए आपके हिसाब से? सर हमारे खास अगर उसमें तो है कि हिंदी वगैरह जो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो 1-2 मिनट 3 मिनट काफी है, 2 मिनट 1 मिनट काफी है मैक्सिमम, क्वेश्चन के लिए। अगर क्योंकि आप ऑल ओवर तो आंसर आपको 1 मिनट ही मिलता है। मैक्सिमम 2 मिनट काफी है हाँ, 1 मिनट ही मिलता है। जी, कोई एक क्वेश्चन मिनट आप 10 सेकंड काफी में है बना लेते हैं, जी, लेकिन ज्यादा अगर बहुत ज्यादा है दस कोई, सेकंड 1 मिनट से जी जी तो जी अगर एक से एक दो मिनट मिनट लगता एक कोशिश कीजिए कि 1 मिनट से कम में ही हमारा जो है सो कि बन जाए क्वेश्चन। कोशिश जी ये वहाँ ये करना चाहिए, जी या अगर जितना कम में आप बनेगा तो लास्ट में टाइम जो आपके पास अवेलेबल रहता है, तो जो क्वेश्चन आपको परेशानी दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर आप टाइम देकर उसको बना सकते हैं, सोल्व कर करेक्ट सकते हैं। तो करेक्ट। इधर आप टाइम अगर मैनेजमेंट किए रहेंगे तो आगे जाकर आपको फायदे करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स के प्रश्न आप बना रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि हो ही जाएगा हो ही जाएगा हो ही जाएगा, लेकिन उस चक्कर में आप कभी कभी 8-10 मिनट भी दे देते हैं उसमें। एक कैलकुलेशन हो गया, आंसर नहीं मिला, आपको लग रहा है, कभी कभी लगता है कि यार 2-3 मिनट हम इस पे दे दिए, अब तो ये क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो अब क्यों ये सोच सोच के कभी कभी 7-8 मिनट तक दे देते हैं, जिससे कि आगे जानने वाले 15-20 क्वेश्चन भी नहीं बन पाते हैं। हो सकता है कि बाद में आपको हिंदी में ऐसे व्याकरण पूछे हों, या ऐसे पूछे हों क्वेश्चन, या EBS में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो कि आप डायरेक्ट लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पे आप कैलकुलेशन करते करते करते, मतलब इस कंडीशन में जहां पर कि आपके क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन टाइम बहुत लग रहा है, और आपने टाइम दे भी दिया है, ऐसा होता है सबके साथ, 2-3 मिनट टाइम दे दिया है, अब लगता है कि यार इतना टाइम बर्बाद करके भी अगर इसको छोड़ दें तो टाइम मतलब फिर क्या मतलब रहा। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न देखने से ही आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन
कितना टाइम इसमें लेगा, तो राइट उसी के हिसाब से जो है सो कि हम उसको टाइम दे। अगर देख रहे हैं कि हाँ इसमें टाइम कुछ ज्यादा लेगा ये क्वेश्चन, तो उसको हम स्किप कर दें, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ईवीएस देखें या हिंदी जो भी क्वेश्चन उसको देखें। लेकिन उस पर टाइम ज्यादा देने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन के चक्कर में हमारा 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि सब आप जानते हो तो सब आप बना ही लेंगे, क्योंकि 150 में से जी जी 150 आपको नहीं लाना है। आपको जी जी ये है कि एक क्वेश्चन उसमें भी एक ही नंबर है, अगर उसको छोड़ के अगर आप जी 10 जी 10 क्वेश्चन बना लेते हैं या 8 क्वेश्चन बना लेते हैं जी तो बेटर है कि जी आप उसको प्रेफरेंस दीजिए, बाद जी में समय जी मिलता है तो बनाइए जी जी। वही तो अब तो देखिए पढ़ाई की आपने इन जनरल तो बातें की राघव जी, लेकिन ये तो है ही कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका होता है। जी कोई जी बच्चा अगर मैथमेटिक्स दे, चूंकि मैथमेटिक्स के भी हम बात कर रहे थे, मैथमेटिक्स अगर कोई तैयारी कर रहा है तो मैथमेटिक्स में उसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, बस मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स जहाँ तक है तो सीटेट 2 पेपर में होती हैं, तो पेपर 1 जो होता है तो 1 to 5, पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। तो इसमें जो है सो कि ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे आते हैं 1 to 8 तक, जो भी मतलब जो फॉर्मूला जो भी है उसी से रिलेटेड आते हैं, उसे 8 से नीचे ही लेवल के। लेकिन जी इसमें हाई लेवल सोचने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली आप चाहेंगे आप आराम से बना सकते हैं, और उसमें हाई लेवल का क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आता है। जी तो प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए? सब मैथ के लिए तो हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ के लिए, और प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो मैथ में हमको नहीं लगता है कि सक्सेस आपको हासिल होगी, क्योंकि ये क्योंकि रटने वाली सब्जेक्ट है नहीं मैथ, और प्रैक्टिस के बेसिस पे ही जो है सो कि आप इसको हासिल कर सके, इसमें मुकाम हासिल पास कर सकते हैं इसको। पास पा सकते हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ज्यादा आप मतलब फास्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक तरह के क्वेश्चन जान रहे हैं कि इसको कैसे बनाया जाए तो जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं बनाते हैं तो उस पे आपको वो सोचने में टाइम नहीं लगता, आपको ऑलरेडी पता है स्टेप्स, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने के लिए कैसे बना, मतलब जैसे कि प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर, या मतलब कैसे चैप्टर वाइज, क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले क्या बाद में क्या? सबसे पहले हम प्रैक्टिस का जहाँ तक बात करते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए तो अभी मार्केट में बहुत सारी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। उसके बाद जो है कि ऑनलाइन से भी प्रैक्टिस या प्रीवियस क्वेश्चन से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने से पहले आप उसका बेस देखिए, फॉर्मूला देखिए कि हाँ किस कौन फॉर्मूला है क्या है उसको जानिए। घन घनाभ से रिलेटेड जो भी आते हैं, त्रिभुज से जो जी भी है, वर्ग आयत, इससे रिलेटेड जो भी मतलब फॉर्मूला है उन पे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखिए, तभी जो है सो कि आप प्रैक्टिस सेट चाहे कुछ भी कर सकते हैं तब, तो मतलब नहीं तो ऐसा कुछ जो नहीं है। चैप्टर है उस जी चैप्टर को पहले उसके आधार को उसके बेस को समझिए, जी सीधे क्वेश्चन पे मत चले जाइए, पहले जी जानिए जी कि वो चैप्टर क्या है, उसके फॉर्मूला या उसके थ्योरम या उसकी जो कंसेप्ट है वो कैसे कैसे काम करता है, उसके बाद जी आप जो है जाइए। तो ये तो एक जी मतलब जी बिल्कुल अच्छी बात है, और वहां से मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। ओके, मैथमेटिक्स के बाद एक जी जनरल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या किसी भी सब्जेक्ट की जी पेडागोजी, ठीक है? जी आपको भी पता है कि अभी के समय में शिक्षा शास्त्र सीटेट का एक ये तो पिलर है, मतलब घर का चारों महत्वपूर्ण बगल पिलर लगा दिया, ढलैया जैसे करना है करिए, तो पिलर है पूरा, वो मेन पिलर है एकदम, 10 इंची 20 इंची का, तो वो पिलर अगर खड़ा हो गया तो मकान आराम से बन जाएगा। तो ये जो पैडागोजी वाला पार्ट है, शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट है, मतलब पढ़ाना कैसे है, और उचित भी है ना राघव जी, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको पढ़ाना कैसे है, तो कर भी रहा है सीटेट, और रिसेंटली कई बार ये अनाउंसमेंट भी हुई कि हर एग्जाम शिक्षा शास्त्र को पैडागोजी को बढ़ावा दे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी तो मोटा मोटी पढ़ाने के तरीके पर बात करता है, बाकी सब्जेक्ट में भी अब आपको 15 15 15 15 पैडागोजी आने लगे अप्रोक्स 10 से 15। तो सीटेट पेपर 1 की बात करें तो टोटल सीडीपी और बाकी सब्जेक्ट के 4, तो यहाँ पर अप्रोक्स 90 नंबर का आपका पैडागोजी आ जाता है, जो कि पासिंग मार्क्स है सीटेट का। तो यहाँ से हम सीटेट के पैटर्न को समझ सकते हैं या पैडागोजी के इंपोर्टेंस को समझ सकते हैं।
पेडागोजी पर ना थोड़ा आप अपने तरीके से विस्तार से बताइए कि शिक्षा शास्त्र को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसे करे कि वो 90 में से हमको 90 नंबर मैक्सिमम आने की चांसेस में। सबसे पहले पेडागोजी चैप्टर का जो भी बात आया तो डायरेक्ट आप चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, उसके लिए आप जब ट्रेनिंग पीरियड में ही उस टाइम से उसमें जो भी बुक्स हैं उसको ध्यान से पढ़िए, सही से पढ़िए, वहीं से आपका पेडागोजी जो भी चैप्टर पेडागोजी वो बेस वहीं से मेन आपका बनेगा। और जब तक आप पेडागोजी नहीं पढ़ते हैं वो तब तक आपका सीटेट या कोई भी टीईटी जो है क्वालिफाइड नहीं हो पाएगा। पेडागोजी समझना होगा, पेडागोजी समझने से पहले आप चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से सोचे, सबसे पहले आप एक बच्चे के भांति सोचे और शुरू से जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसी टाइम से एक शिक्षक के भांति आप सोचे, तभी जो है सो कि आप जो है सो कि सफलता आपको मिलेगी। पेडागोजी चैप्टर ऐसा है कि हमको भी ऐसा लगा, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो हमको उतना आर्ट्स समझ में आता नहीं था, स्टार्टिंग में पेडागोजी चैप्टर हमको मिला 4-5 रोज ऐसा लगा हमको कुछ, हमको लगा कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ, जो पढ़ रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे अचानक तो कुछ होगा नहीं, धीरे धीरे आदमी पढ़ते गया, उसके बाद उस बेसिस पे आप सोचिए कि हाँ बच्चा जो है कोई भी बच्चा पे हम क्या इम्प्लाई करें कि बच्चा अच्छा से समझे, नहीं समझ रहा है उसके कारणों का पता करें कि बच्चा पढ़ रहा है तो क्यों नहीं समझ रहा है, भाई उसको अच्छा से समझिए, बच्चा को पहले समझिए, तब जो है सो कि आपको आपका पेडागोजी जो भी चैप्टर है बेस होगा बढ़िया। पेडागोजी जो भी है वो दिखाने वाला वो इम्प्लाई बच्चा पर अप्लाई कीजिएगा, वही है वो आपको कहीं मिलेगा नहीं कि हाँ भाई ये। हाँ, सही बात है, बहुत जबरदस्त बताया आपने, बहुत ही जबरदस्त बताया। सबसे पहले आपने फोकस किया चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पर, आपने पहले बोला क्या कि सर चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन से आपको करना है, उसके बाद आपने बोला कि आपको टीचर का नजरिए से देखना है, तो टीचर का नजरिए से अगर आप चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन करते हैं और उसके साथ आपने एड ऑन में आगे जोड़ा कि जब भी आप मतलब ये कहीं पर ऐसा कोई लिखित या कथाकथित बात है नहीं, ये कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करने वाली अप्लाई करने वाली बात है, तो यहाँ पर आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं कि बोल दिया गया कि भैया क्या कहते हैं ये नियम किसने दिया या इसकी परिभाषा क्या है, उससे शिक्षा शास्त्र नहीं चलता है। शिक्षा शास्त्र में पेडागोजी में आपको देखना है कि ऐसे सिचुएशन में हम एक्चुअल में क्या करेंगे जी। तो अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिकली आपको मजबूत होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली उदाहरण से या प्रैक्टिकल जो है वास्तविक जिंदगी से जोड़ के आपको देखना पड़ेगा जी जी। एक तरह से देखिए तो अगर आप बहुत विजुअलाइजेशन नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं और आप चीजों को रियलिटी से जोड़कर देखते हैं तो एक तरफ से बहुत आसान भी है जी जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना राघव जी, बाकी सब्जेक्ट जो है मैथ है, साइंस है, या एनवायरमेंटल स्टडीज है, या लैंग्वेज पेपर्स हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं जी, पहले से नाम भी सुना रहता है। ये एक ऐसा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो आप पहली बार आके सुनते भी हैं किसी तरह से, पहले ऐसा नहीं कि जी क्लास के साइंस भी थे, 4 क्लास के भी थे, एसएसटी भी थे, मैथ भी थे, सब थे, ये नहीं रहता है। तो यहाँ पर जैसा आपने बोला कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और यहाँ पर आया देखा तो दिमाग में आया कि भाई ये क्या है, ये तो नहीं होगा, तो इसलिए लोगों में भय रहता है। लेकिन आप मतलब इसको इजी अगर बनाया जाए तो लोग बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर पाएंगे और बढ़िया से मतलब एग्जाम भी क्रैक कर पाएंगे। तो पेडागोजी पे कितना महत्व, कितना इंपोर्टेंस या कितना मतलब फोकस करने की जरूरत है, कितना ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में जी। मतलब जो है सो कि कोई भी टीईटी हो तो या सीटेट हो तो इसमें मतलब आप बताएं कि 90 के आसपास में जो भी है पेडागोजी से रिलेटेड ही आते हैं, तो इसको फोकस करने के लिए इस पे अच्छा से हमारा पकड़ हो, अच्छा से मजबूती से पकड़ हो पेडागोजी पे, तो सबसे पहले हमको उस बच्चे के स्थान पर रहकर सोचना होगा कि हाँ अगर मैं बच्चा था तो कैसे होता था, वहां पे जाके अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ उसको उसके कारणों का पता कीजिए, उनके उसके वास्तविक जीवन से, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़िए कोई भी चैप्टर, उसके बाद देखिए बच्चे पे अप्लाई करके हाँ बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो अब जो है सो कि ये पेडागोजी जो भी क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से रिलेटेड तो हमारे रियल लाइफ से ही
जुड़े हुए होते हैं, और उस वहाँ पे शिक्षक को एक बच्चे के भांति सोचने की जरूरत होती है, तब जो है सो कि पेडागोजी चैप्टर वहाँ पे आसान हो जाता है हमारे लिए। जी 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 हाँ, क्योंकि ऑप्शंस भी आपके ऐसे ही होते हैं जिसमें कि आप मतलब रियलिटी में अगर जोड़ के देखिएगा, क्योंकि अगर आप जी जी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आपको सारे ऑप्शन सही ही लगते हैं कि ये भी तो ठीक है, ये भी जी तो, वैसा होता है लेकिन उस चीज के लिए जी क्या ठीक है वो देखना काफी जरूरी है। तो ये तो पेडागोजी जी की बात है, और पेडागोजी बहुत ही फोकस्ड पॉइंट है जो कि लोगों को करना चाहिए। इसके बाद हम आपको अगली मैथ की बात हम कर चुके हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज की, तो राघव जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी चलिए पेडागोजी सेक्शन तो है, लेकिन कंटेंट सेक्शन के लिए जी इसमें कुछ कुछ याद करना भी ज्यादा जरूरी सर है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट में जी कुछ ना कुछ जी याद करने हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल स्टडीज की तैयारी आपने कैसे की थी? सर हमारा तैयारी कुछ खास नहीं था इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए, बस हमने जो भी एनसीईआरटी का जो बुक था हमारे पास अवेलेबल, बच्चे से किसी किसी से लिया 1 to 5 तक का, और उसको डीपली मैंने पढ़ा इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए, डीपली उसको पढ़ा, और जो जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा उसको मैंने नोट किया, एक पेज पे नोट किया, एक डायरी बनाई उसका, और उसके बाद जो है सो एग्जाम जब जैसे जैसे नजदीक हुआ उस पॉइंट को बस एक बार देख लेता था ऐसे करते करते, और देखा ज्यादातर क्वेश्चन जो है सो कि उससे रिलेटेड हमको मिले, एनसीईआरटी का जो भी बुक था 1 to 5 का या 1 to 8 तक का, उससे रिलेटेड हमको समझिए कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमको मिले, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमारे लिए वो हुआ, हमारा वो खुद का मतलब एक्सपेरिमेंट जो भी। वाह, नहीं तो आपने तो पूरा सार ही बता दिया। यही बात को सब घुमा के बोलते हैं, एनसीईआरटी ईवीएस के लिए मेन है, जो आपने डायरेक्टली बोल दिया। और जी। लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं कि 1 to 5 का एनसीईआरटी पढ़ ले, अगर पढ़ लिया फिर तो बेरा पार है, ये बात तो सब जानते हैं। और उसके बाद आपने पढ़ के उसका शॉर्ट नोट्स भी बना लिया, फिर तो मतलब हो ही गया। फिर आप बोल रहे हैं एनसीईआरटी कुछ खास, मतलब ईवीएस कुछ खास नहीं था, खास तो था, आपने तो जड़ पकड़ लिया। यही है कि आपने इधर उधर से चार बगल से तैयारी नहीं की, लेकिन आपने कम्प्लीटली जो एक्चुअल जरूरी था वो काम आपने किया। तो ये चीज दोस्तों आप लोग भी डबल करिए, एनसीईआरटी से अगर आप ईवीएस पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन दिख जाएंगे, मतलब क्योंकि डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब ये अभयारण्य कहीं पे है तो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं। ये एयरपोर्ट हवाई अड्डा कहीं है तो है, कुछ अगर जीव जंतु के बारे में परिवार के बारे में कोई बात है तो है, तो वो चीज आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब परजीवी सहजीवी में वो मतलब वही है, वो आप समझ जाएंगे तो मतलब पता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक बात आपने क्लियरली बता दी कि ईवीएस की 1 to 5 की एनसीईआरटी करके शॉर्ट नोट्स बना ले। अच्छा जी हमने सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई अगर ये सोचता हो कि भाई किससे हम जाएं, इतना बुक कहाँ से लाएंगे खरीद कर ये हो, तो अभी आपको प्ले स्टोर में चाहे हर जगह अवेलेबल है उसके एप्स, एनसीईआरटी के एप्स भी अवेलेबल हैं, वहां वहां से से भी आप ले देख सकते, सकते हैं, नहीं तो आप जी अनअकैडमी पे भी हम देखे हैं कि एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, वो भी वीडियो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ, वहां से भी आप देख सकते हैं, चाहे देख अदर आपको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगे वहां से आप देख सकते हैं, सकते बस एनसीईआरटी से हमारा कहना है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे टच करते हैं करते ईवीएस। हैं, तो वो मतलब वो करना जरूरी है ईवीएस में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर नोट से इत्यादि से ना मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, जो मैं देखता हूँ कि दिन भर बच्चे जी। पागल रहते हैं। अभी फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप देखिएगा कि कोई भी ग्रुप में अगर आप होंगे तो एक दिन में कम से कम 50 कमेंट होगा, इसका नोट्स कहाँ है, ये इसका नोट्स दो, उसका नोट्स लेके आओ, वो नोट्स देगा, कहीं पे कोई लिख देगा फेसबुक पे कि नोट्स के लिए अपने मोबाइल नंबर कमेंट करें, 1,500 मोबाइल नंबर कमेंट में रहेगा। अब पता नहीं कितने ये रहता है हैं, मिला है नहीं मिला है, मिला भी है तो क्या किया है। और मैंने कुछ बच्चों के मोबाइल खोल के देखे, नोट्स नोट्स कर, सर आपका नोट, सर आपका जी नोट, हर क्लास का नोट्स, ये नोट्स वो नोट्स, एक चीज का 50 नोट्स। तो मैंने मोबाइल खोल के देखा तो उस बच्चे के मोबाइल में करीबन 10 से 15 हजार क्वेश्चंस होंगे कम से कम। मैंने पूछा कि बेटा इसमें पढ़े कितना जी हो, तो सर नोट्स पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता है। मैं बोला फिर दिन भर में जितना तुम चैट लिखे हो, जितना कमेंट किए हो, उसमें ज्यादातर वर्ड्स तुम नोट्स ही लिखे हो कि नोट्स दे दो, क्लास में गए तो पढ़ाई नहीं कर रहे, सर नोट्स सर नोट्स सर नोट्स। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, या अगर है तो क्यों है ना, या नहीं है तो क्यों, मतलब फिर क्या करना चाहिए उसके?
सर मेरे ख्याल से तो मैंने ऐसा कुछ नोट्स कहीं से मैं मंगाया था नहीं, मैं जो भी आप मेरे रियल लाइफ जो भी था मैंने तो बताया ही कि जी नोट्स जी के चक्कर में, ज्यादा नोट्स के चक्कर में आप नहीं रहने तो ज्यादा दिमाग इधर उधर हो जाएगा और सही से आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। जी माइंडली हमेशा प्रेशर बना रहा है कि भाई ये नोट्स मैंने पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ा ही नहीं, तो उसके चक्कर में आप नहीं रहे। बस बेस उसका क्या है वो जानने का कोशिश करें, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप खुद वह खुद आपसे बन जाएगा। बन अब जो भी जाएगा। है नोट्स कुछ मायने मतलब नहीं रखता है, ज्यादा नोट्स अब एक चीज के अगर घटाएं 50 या नोट्स आप ले पकड़ेगा। रहे हैं तो है तो एक ही बात, अलग अलग तरीके से जी कहे जी गए होंगे, जी जी वही और तो। उसमें आप अगर मान लीजिए 5 तरीके से पढ़ ली भी लेते हैं, टाइम दे भी देते हैं, तो मतलब ऐसा कोई बहुत फोकस आपको होने वाला है नहीं। आप एक ही चीज को बढ़िया से करिए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जी अननेसेसरी हर जगह से 50 जी ग्रुप वही में वही जुड़े बात हुए हैं, है। यहाँ से नोट्स ले रहे हैं, वहां से नोट्स ले रहे हैं, दिन भर क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर अगले टॉपिक पे भी हम जाएंगे, लेकिन प्रश्न की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, एमसीक्यूज की बात करते हैं। क्वेश्चंस बनाने के लिए भी बच्चे आजकल पागल रहते हैं, अच्छी बात है, क्वेश्चंस बनाना प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, जी लेकिन ये जी पर्सनली एज ए टीचर मैंने कभी कभी ऑब्जर्व किया है, लोग अभी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, या थ्योरी क्लास में बच्चे आ भी नहीं रहे, मतलब भी नहीं। जी जी अभी अगर आप देखेंगे मेरे यूट्यूब पे जी कोई सही बात थ्योरी के वीडियो है तो उसमें बड़े कम व्यूज होंगे। वही अगर एमसीक्यूज कराने लगे, मॉक टेस्ट कराने लगे, प्रैक्टिस सेट कराने लगे, टेस्ट सीरीज कराने लगे, तो उसमें एकदम बच्चे एकदम तोप देते हैं पूरा, एमसीक्यूज एमसीक्यूज, दिन भर प्रैक्टिस, दिन भर एमसीक्यूज, दिन भर एमसीक्यूज। नॉलेज नहीं है, एक टॉपिक की बात करिए, उस टॉपिक की नॉलेज जी नहीं है, लेकिन उसके 50 क्वेश्चन बना लिए, या दिन भर उसी के पीछे रहते हैं, कहाँ पर मिलेगा ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट, पता चला उधर टेस्ट सीरीज दे दिए, पता चला उधर टेस्ट सीरीज दे दिए, टेलीग्राम पे आया वहां टेस्ट सीरीज दे दिए, तो टेस्ट सीरीज का कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कितना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, जरूरी तो है, मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है क्या? है सर। देखिए हमारा सिद्धांत यह है कि एमसीक्यू भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आप थ्योरी को समझिए, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप एमसीक्यू कीजिए, चाहे जो भी है आप पढ़िए, तभी आपका पता लगे कि भाई मैं क्या कहाँ तक समझा, क्या पढ़ा, और तब नहीं, जो है सो कि आपको सफलता हासिल होगी। नहीं तो रटने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। आप चाहेंगे कि मैं 200, 500, 1000 एमसीक्यू कर लिया मैंने, ये क्वेश्चन तो मेरे को पूरा याद है, सब कुछ हमको याद हो गया, ये 500 क्वेश्चन सर ने दिया था पूरा मैंने रट लिया, तो ऐसे कुछ होता नहीं है, ऐसे कुछ फायदे हमको नहीं लगता है कि होने वाला है। बस थ्योरी आप कीजिएगा ना, तो थ्योरी जब सही से रहेगा, आपका बेस बना रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं से भी क्वेश्चन जी उसे रिलेटेड आपका आता है, एकदम आप अच्छा से उसको टच करेंगे और बढ़िया से आप बना सकते हैं। बना सकते हैं। जी जैसे कि ना एक, क्योंकि मैं चाइल्ड जी डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाता हूँ, एक मैंने बीच में रिसर्च किया, अपने से रिसर्च जी क्या किया, एक सिद्धांत है आपको भी पता जी होगा, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, एक जी जी सिद्धांत है इसके अंदर, जी इसके 3 भाग होते हैं, उस 3 भाग के अंदर भी दो दो भाग हैं, तो इस पर जी प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, एक ना एक प्रश्न पूछ ही हर समय आते जाते हैं। जी सर हैं। तो इस पर मैंने ऑब्जर्व किया कुछ बच्चों में क्या, कि जब भी वो उस पर प्रश्न आ रहा है तो मेरा क्या है कि मैं थोड़ा कोई प्रश्न आया तो उसकी पूरी थ्योरी बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ जी जी बच्चे आते हैं क्लास में, नहीं सर अगला, नेक्स्ट 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 करते हैं, सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो उनको रहता है कि हम कितना क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें। तो मैंने ये ऑब्जर्व क्या किया कि सेम टॉपिक से मैंने एक ही दिन में करीबन जी 30-35 क्वेश्चन कराए, और कुछ बच्चे ऐसे थे जी जिन्हें जिनसे 30-35 बार गलती हुई और उसको सीख गए, मतलब अभी एक क्वेश्चन बताया तो बोला हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर भी अगले बार गलती हुई, फिर उसको भी बोला सर ये समझ में आ गया, फिर तीसरे बार भी गलती हुई, फिर चौथे बार भी गलती, मतलब अलग अलग क्लासेस में यूट्यूब पे या स्पेशल क्लासेस में या प्लस क्लासेस में, पूरे मिला के मैंने टोटल 20-25 क्वेश्चन कराए थे उस दिन, एक दो दिन में, और उसमें सब में गलती हुआ, सब बार जी बोल रहे हाँ सर अब समझ में आ गया, हाँ सर अब समझ में आ गया। तो वहां से मुझे यही पता चला कि अगर मैं उसे किसी एक पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसको वो पॉइंट वहां पर मान लीजिए रट लिया, जैसे आपने बोला, या कुछ कर लिया होगा, समझ लिया होगा, या बहुत लोग तो ऐसे भी रट लेते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है, अब वो कभी होगा तो बी ही करेक्ट होगा, बी को सी में लिख देंगे फिर भी बी करेक्ट, होता है, तो ये ऐसे होता हाँ, है ऐसे। तो वो चीज रट लिया, ऐसे 20-25-30 क्वेश्चन को रट लिया, तो मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि अगर ये बच्चे बस 5 मिनट से 10 मिनट देके मैक्सिमम कोहलबक के उस 3 सिद्धांत को जो मैंने पढ़ाया था, अगर इस 30 क्वेश्चन के बदले बस वो 5-10 मिनट कर लेता, तो ऐसे 30 के 30,000 क्वेश्चन बन जाता।
वही तो मैं भी बोला कि उसका थ्योरी जो भी है, आप थ्योरी अगर हाँ पढ़ते वही हैं जी, इसलिए तो उससे आपके रिलेटेड सपोर्ट जो भी में, क्वेश्चन है आप अच्छा से हाँ बना सकते हैं। जी जी वही उसी बात मेरा को भी मैं वही आपको सलाह। रियल एग्जांपल दिया कि आपने बिल्कुल सही बोला, और ये चीज मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है और मैंने देखा भी है कि बच्चे, लेकिन बच्चे का माइंड स्थिर नहीं रह रहा है, वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हमको ऐसे भी मिल जाए वैसे भी मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है जैसा कि आपने बोला, और उसको भी आप देख के ही करिए। यहाँ पर हम ना आपसे पूछना चाहते हैं लैंग्वेज पेपर्स के बारे में, जैसे कि बहुत लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज पेपर एज अ लैंग्वेज वन ले, कौन सी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज टू ले, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर मैं स्टूडेंट हूँ आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? लैंग्वेज की बात है तो लैंग्वेज में जो है सो कि वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि उनका मतलब लैंग्वेज वन में जो बेटर है हिंदी या इंग्लिश अपना रख सकता है। अगर हिंदी बच्चे ने लिया उसके बाद फिर अपना वो देखेंगे कि हमसे संस्कृत हमारा सही है या इंग्लिश अच्छा है, जो भी समझ में जो अच्छा से आ रहा होगा अपना लैंग्वेज टू में या जो भी है अपना ले सकते हैं। उर्दू हुआ चाहे जो भी, जिनको मतलब अपना खुद पे विश्वास है कि नहीं मैं ये लैंग्वेज अच्छा से कर लूंगा, ये हमें अच्छा से समझ में आ रहा है, इंग्लिश हुआ उर्दू हुआ संस्कृत हुआ जो भी है अच्छा से जिनको समझ में आ रहा है अपना वो अपने कर सकते हैं। बस यही दूसरा, तो बच्चा जैसे ज्यादा कि लैंग्वेज में ही कितना उलझ जाते हैं। आपके मतलब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है उस हिसाब से चूज करिए। अच्छा एक और ना चीज बड़ा मार्केट में घूमते रहती है कि मान लीजिए मेरा हिंदी ज्यादा मजबूत है और इंग्लिश उससे थोड़ा सा कम मजबूत है जो नॉर्मली बच्चों का होता है, तो ऐसे में लोग बोलते हैं कि हिंदी को लैंग्वेज वन लो, ऐसा क्यों? ऐसा सर हमारे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है है ना नहीं, वही ना? लेकिन हाँ लैंग्वेज नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। मतलब कुछ भी ले लीजिए ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग ये अफवाह फैलाते हैं, बोलते हैं क्या कि लैंग्वेज वन मतलब जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो लैंग्वेज वन लो, कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल कुछ नहीं रीजन या होता है कुछ सर। ऐसा। एक बार मुझे किसी विद्यार्थी ने बोला था कि सर लैंग्वेज वन कुछ तो ऐसा बोला था कि वही चीज लैंग्वेज टू में हार्ड आता है, अगर हिंदी लैंग्वेज टू का हिंदी लैंग्वेज वन का लैंग्वेज टू का हार्ड आता है, तो मतलब ऐसा कुछ बात है नहीं एक्चुअल में। पेपर सेट करने ऐसा समय में कुछ ऐसी नहीं कुछ था बातें सर। नहीं सोची जाती है और वैसा कुछ नहीं है। ओके चलिए मान लीजिए मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, आदर हिंदी हो या इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, बंगाली जो भी हो। अब लैंग्वेज में मेजर जो पार्ट होता है, आजकल सीटेट में बात करिए तो ग्रामर तो लगभग कम ही कर दिया है, एसेस पोएट्री, सबका अपना अपना तरीका होता है, आपका पेसेज को बनाने का तरीका क्या है? हमारा पैसेज सर बनाने का तरीका ये है कि आप हम पैसेज पढ़ते हैं, फर्स्ट थोड़ा सा आदमी पढ़ा देख लिया कि किससे रिलेटेड पैसेज है, उसके बाद हम उसमें 5-6 क्वेश्चन एक पैसेज में रहते हैं, 7, 5-6, 7 के आसपास रहते हैं। तो पैसेज में पहले ऐसे देख लेते हैं उसमें 2-3 व्याकरण से 100% रहते ही है पैसेज में से, तो पर्यायवाची शब्द जो हुआ या संधि विच्छेद रहता है तो पूछता है कि हाँ इसी पैसेज से रिलेटेड रहता है, लेकिन संधि विच्छेद तो बदल सकता है नहीं, उसको बिना पैसेज पढ़े ही आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, और पर्यायवाची शब्द भी है उसको मतलब बना सकते हैं कि हाँ क्या है। उसके बाद थोड़ा जो क्वेश्चन आता है तो उसके लिए तो पैसेज पढ़ना अनिवार्य है, बिना पढ़े तो कुछ होगा तो नहीं, पैसेज पढ़ेंगे। पढ़ के, क्योंकि देखिए पैसेज अगर आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो आपका 9 क्वेश्चन तो मतलब एक बार में आपका निकल जाएगा, और ध्यान करिए ये भी 9 क्वेश्चन का उतना ही वेटेज है जितना कि वो मैथमेटिक्स या अलग सीडीपी या कोई अलग सब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्स सब क्वेश्चन को जो आप 5 मिनट तक देखते हैं, इस 9 क्वेश्चन का भी उतना ही वैल्यू है, कोई कम वैल्यू नहीं। तो अगर आप पैसेज बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप पैसेज बढ़िया से पढ़ के फिर क्वेश्चन बनाने बोल रहे हैं बच्चों को? अच्छा हाँ मान, सर। हाँ, या क्वेश्चन पहले देखें फिर पैसेज पे जाएं, क्या लगता है आपको? नहीं, हमारा सिद्धांत यह है कि पैसेज आप पूरा अगर पढ़ लेते हैं तो उसका कहानी का सार पता चल जाए कि भाई किससे रिलेटेड है, जी क्या है क्या नहीं। जी और इसको कितने बच्चे हल्के में लेते हैं कि अरे क्या है पैसेज, वो तो कहानी सही टाइप का, बोला। उसे पढ़ेंगे बना देंगे, लेकिन इसको हल्का में लेने की जोड़ी नहीं है। इसको सबसे पहले पैसेज को पढ़िए, उसका कहानी का सार पता कीजिए कि भाई क्या है, मतलब इसका मेन मूल क्या है, क्या कह रहा है कहानी, उससे रिलेटेड जो है सो कि तब जो है सो कि आप क्वेश्चन बनाना शुरू करिए स्टार्ट और करिए। पैसेज को पढ़ते समय पूरा एकदम फोकस हो गए, अटेंटिव होके पढ़िए ताकि आप उसको, और ये सोचिए कि अगर आप इसको कर ले रहे हैं
तो आपके मतलब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि आप फेल से पास हो जाए पैसेज के कारण। अगर आपको 81 आ रहा है पैसेज के कारण, आप 90 आ जाएगा तो बड़ी बात। और ऐसे में तो पैसेज तो देखिए कम से कम दो सब्जेक्ट में आपको है, दोनों लैंग्वेज में, तो टोटल पैसेज से मतलब पोएट्री भी है तो एक ही तरह का हुआ। तो पैसेज पोएट्री मिला के एक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन, दूसरे सब्जेक्ट में हिंदी और 15 क्वेश्चन, तो 30 नंबर तो यहीं से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एक एक चीज, मैंने मैंने अपने मतलब पढ़ाते पढ़ाते ये चीज इजाद किया कि अगर हम पैडागोजी कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी हमने बात की पैडागोजी के 90 क्वेश्चन, राइट, सब सब्जेक्ट मिला के। पेसेस कर लेते हैं, पेसेस पोएट्री, तो दोनों सब्जेक्ट मिला के 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, राइट, 15 एक में 15 दूसरे में, तो 90 प्लस 30 120 नंबर सिर्फ पैडागोजी और पेसेज से। मतलब एक मैं आपको बच्चे के लिए ये चीज बोल रहा हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि छोटा किसी को नहीं समझना है, जैसा कि आपने बताया अभी। और ऐसे ही करके अगर हर चैप्टर पर आप ध्यान देंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो राघव जी, आपने इतने मतलब सहज तरीके से इतनी बातें बताई और इतना सिस्टमेटिकली आपने अपनी तैयारी की और बहुत इजीली मतलब अपियरिंग में आपने तैयारी की, जाते जाते इस वीडियो को खत्म करते करते, और काफी अच्छा मुझे लग रहा है आपसे डिस्कशन करके। मैं सही बताऊं तो एज ए टीचर काफी चीजें पता है मुझे, लेकिन जब आपसे बात कर रहे हैं तो और भी ज्यादा क्लियरिटी के साथ हम डिस्कशन कर पा रहे हैं। यही होता है जब आप एक टॉपर से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कशन एक चीजें क्लियर होती है दिमाग में। आप अपना एक संदेश अगर कुछ देना चाहे हमारे आने वाले बच्चों के लिए जो अभी आने वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप क्या संदेश देंगे राघव जी? सर, हम संदेश यही देंगे कि सबसे पहले कंसंट्रेट करके माइंड आप पढ़िए, और वो जो भी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट, ये कितना लोग बोलता है कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन कर लो वो आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसका बेस पता कीजिए, पढ़िए और थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़िएगा, ऑटोमेटिक आपका जो है सो कि ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे आप टच कर सकते हैं। और हम दूसरा चैनल से हम उतना खास हमारा लगाव था नहीं, हम अनकेडमी से पढ़े थे, हमको अनकेडमी अच्छा लगा। और जी आपका समझिए, आपका तो जवाब नहीं सर, आप ही अरे के बदौलत हम जो है सो कि हमारा निकला, और आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और अनकेडमी शिक्षा चाहे अनकेडमी एप्स का भी जो भी है, बहुत बड़ा हमारे पास में योगदान रहा। तो जी, बच्चों को और भी हम ये सजेस्ट ये करें कि आप भी देखें। सुन के राघव जी, अनअकैडमी और मैं और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट आज इस पोजीशन पे हैं, इस जगह पर हैं, कि बहुत एक, क्योंकि देखिए जिसके पास सब रिसोर्सेस उपलब्ध है ना राघव जी, जो किताब है 50 किताब मंगा लिया, 50 सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब कुछ उपलब्ध है, फिर कर लिया तो चलिए ठीक है, आपके पास मतलब सब कुछ है, पूरा है। जो लोग एक ऐसे जगह पर है जहां पर कि आपके एनवायरमेंट में भी लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, उस बीच में आप काम कर रहे हैं और हर चीज ऐसे इजीली नहीं है, कुछ चीजें आर्थिक परेशानी भी है, कई बार समय की भी कमी है, कई जिम्मेदारियां भी है, उन सब के बीच आपने इन सक्सेस को हासिल किया है, यहाँ तक पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी मिसाल है बच्चों के लिए जो कि काफी छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना सहज अगर आप एक छोटे प्रदेश में रह के, छोटी जगह पे रह के, गांव में रह के कर सकते हैं और इतनी सहजता से आप सफलता हासिल कर सकते हैं, तो इस दुनिया में कोई भी कुछ कर सकता है। तो बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद, जी और बड़ा प्यारा बात आप करते हैं, बहुत अच्छी मिठास है आपके आवाज में। ऐसे ही भगवान आपको, ऊपर वाला आपको और जी भी सक्सेस दे, जो भी आप चाहते हैं वो दे, और ऐसे ही आप हमारा अनअकैडमी का और हम सबों का नाम रोशन करते रहें। और बच्चों, जो भी लोग आज जी आपने ये वीडियो देखा है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको दोबारा देखिए, दोबारा देख के आप एक बार आंख बंद करके भी सुनिए कि क्या क्या बात हम लोगों ने डिस्कस की है या राघव जी ने बोली है, और उसके पीछे के मतलब एक थ्योरेटिकली मत देखिए क्या कि ये बात ऐसा बोल देता है, सब बोलता है, उसके भीतर के, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान आपको ये बात बोल रहा है, तो आप देखिए कि उस इंसान ने कोई बनावटी बात इन्होंने तो बोली नहीं, जो चीज इन्होंने किया है सही या गलती इन्होंने बोला, तो आप उसको रियलाइज करिए कि आप इससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, और सफलता जरूर आपको हाथ लगेगी, और अपने हिसाब से खुद को पहचानिए, जैसा राघव जी ने भी लास्ट में भी कहा कि कंसंट्रेट होइए, जो करना है वो करिए, जो नहीं करना है उसको छोड़ दीजिए, एज इट इज देखिए कि आपको कैसे तैयारी करना है।
तो बिल्कुल ऐसे तैयारी करिए और सफलता जरूर लगेगी। राघव जी आपको हमारे इस शो में आने के लिए, इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे अनएकेडमी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको, हम कभी सोचे नहीं थे कि हम जो ऐसा कि यहाँ पे आएंगे, लेकिन आपका, आप लोग का आशीर्वाद रहा, सबका आशीर्वाद था, हम जो ऐसा कि आप अवेलेबल हैं आपके पास, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत है और मुझे लगता है कि ये तो आपका बड़प्पन है राघव जी, लेकिन आप जो आपने किया है देश के लिए, जो देश के हजारों लाखों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए जो आज आपने किया है वो अलग में काबिले तारीफ है। इसके लिए हम और अनअकैडमी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, अगले एपिसोड में अगले वीक हम एक और नए इंटरव्यू के साथ आपके बीच हासिल होंगे। अपने माता पिता का सम्मान करें, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, सबों के साथ प्यार बांटिए। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय, जय हिंद।